जब भूपेंद्र हुड्डा जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक गहरा षड्यंत्र सोनिया गांधी जी के साथ रच करके 80 साल से ज़्यादा की उम्र में उन्हें 10 साल की कैद कर देवता रूपी नेता को जेल की सलाखों के पीछे निर्दोष होते हुए डाल दिया। अगर वो दोनों भी हाथ मिला लेंगे, अभय सिंह जी, मुझे पता है चौटाला साहब तो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर अभय सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा भी हाथ मिला लेंगे तो भी ये भी कलयुग का एक अपना एक अलग दृश्य होगा। बीजेपी के साथ समय समय पर अलाइंस हुए हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का समा भी हुआ, चौटाला साहब ने खुद किया, और उसके पश्चात आज चौथी पीढ़ी के अंदर भी अगर पारिवारिक तौर पर देखो अलग अलग चुनाव। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम गठबंधन के साथ उतरेंगे, मगर ये फैसला पार्टी के दोनों पार्टियों के टॉप लीडर्स को करना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दल जो हैं, जो एनडीए के दल हैं दोनों ही, वो मिल करके, क्योंकि अभी तक जो जो चुनाव हरियाणा में हुए उसमें मिल करके लड़े हैं, भविष्य में भी मिलकर। कोई नया गठबंधन भी हरियाणा में आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो आपके इनेलो पार्टी ने ये कहा है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी साथ जा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नए गठबंधन की शुरुआत होगी? अब मैं उस बैटर पे जाना नहीं चाहता था, मगर आपने फिर भी उठा लिया, तो मैं उसका जवाब यही कह के दूंगा कि देखिए, हमारा एक नेता के तौर पर भी और एक पारिवारिक तौर पर तो है ही, वो तो बाय डिफॉल्ट ही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, जिन्हें एक लो पुरुष की उपाधि दी जाती है, उनसे एक ऐसा अटूट जुड़ाव है जो सदैव रहेगा, और उनके राजनीतिक जीवन में 2013 के अंदर एक ऐसा मोड़ आया जब भूपेंद्र हुड्डा जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक गहरा षड्यंत्र सोनिया गांधी जी के साथ रच करके 80 साल से ज्यादा की उम्र में उन्हें 10 साल की कैद कर, और तब मेरी दादी ये कहा करती थी कि मैं तो रहूं ना रहूं, मगर जो इस उम्र में तेरे दादा को दुख दिया है, इसका राजनीतिक बदला तुम्हें जरूर लेना है। आज मुझे हैरानी होती है, मैं आश्चर्य इस बात का मानता हूं, मेरे लिए ये अपने आप में एक बहुत हैरानी की बात है कि अभय सिंह जी जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उसके पश्चात ये सब संघर्ष जो जारी था, जिसने इतना बड़ा कुठाराघात किया, इतना बड़ा जुर्म किया, एक अन्याय किया, लोग ये मानते थे कि हमारे देवता रूपी नेता को जेल की सलाखों के पीछे निर्दोष होते हुए डाल दिया, अगर वो दोनों भी हाथ मिला लेंगे, अभय सिंह जी, मुझे पता है चौटाला साहब तो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर अभय सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा भी हाथ मिला लेंगे तो भी ये भी कलयुग का एक अपना एक अलग दृश्य होगा जो मैं और आप देखें। तो आपने बदला लिया क्या, वो बदले की बात? हमने तो राजनीतिक बदला तो लिया, एक बार नहीं, अनेक बार लिया, और साथ जाके आपकी बात नहीं, बीजेपी के साथ तो हम आज थोड़ी गए हैं, चार पीढ़ियों से जा रहे हैं, बीजेपी के साथ समय समय पर अलाइंस हुए हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समा भी हुआ, चौटाला साहब ने खुद किया, और उसके पश्चात आज चौथी पीढ़ी के अंदर भी अगर पारिवारिक तौर पर देखो तो आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं हम फिर भी मेल खाते हैं, कांग्रेस के साथ हमारा कोई मेल नहीं। नहीं, इंडिविजुअली पूछ रहे हो या पार्टी लाइन? पार्टी लाइन पे तो मैं ये कहूंगा कि जो इनकी भावना है उसकी कदर होनी चाहिए, और सरपंचों को भी सरकार के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, बजाय कि सड़कों पर इसका वो हो, जिससे कि दोनों के अंदर कोई ना कोई एमिकेबल जो है ना समाधान उसका निकल। व्यक्तिगत मेरी राय ये है, आप पूछ लो। फिर मैंने ये कहा, पंचायत मंत्री जी ने भी कहा कि सड़कों पर संघर्ष ना हो, हमारे से बैठ कर के बात हो, और अभी तक इन एसोसिएशंस की तरफ से कोई भी इस तरह की जो है ना पहल नहीं हुई। मैं फिर आप अपील करता हूँ कि सब बैठ के इसको रिजॉल्व करें। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफसरशाही जिम्मेवार नहीं है, उनको
दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर ओनली आंसरेबल टू देयर बॉसेज एंड द बॉसेज कीप चेंजिंग एवरी फाइव ईयर. यानी सरपंच को तो वोट मांगने हैं 5 साल बाद, उनको तो रिटायर ही होना है 58 साल में जाकर. तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की पावर को हम निचोड़ लें, उसको ज्यादा पावर देनी चाहिए बजाय कि अफसरों को. ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कहीं कल आप इसको पार्टी की बना दें.